हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही ये आसान तरीके की ये सॉक्स बनानी सिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर इसकी लुक है और बनाने में बहुत ही आसान है। बिगनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन को समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिए, तब ये डिज़ाइन आपकी समझ में आएगा कि मैंने इसको कैसे बनाया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, सॉक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सॉक्स बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की नीडल्स का मैंने यूज किया है, ये आप देख सकते हैं। और ये मेरे पास पतली ऊन है तो देखिए, इसलिए मैंने 10 नंबर की नीडल्स ली हैं। इससे मोटी ऊन है तो आप 9 नंबर की नीडल से भी आप ये बना सकते हो। ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक नोट लगा लेंगे। एक फंदा हमारा नोट से हो गया। राइट हैंड में नीडल पकड़ लेंगे। ये देखिए, जैसे भी आपको फंदे डालने आते हैं वैसे आप इसमें फंदे डाल लीजिए। ये देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ऐसे ही हम इसमें फंदे डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं 10 फंदे पे ही बताऊंगी कि हमने कैसे बनाना है। देखिए, सारे ही फंदे हम ऐसे उल्टे उल्टे बना लेंगे। ये पट्टी आपने 75 फंदे डाल के और फिर बनानी है। मैं 10 पे आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, और किनारे वाले फंदे को आप ऐसे सीधा बना लीजिए। इस साइड से देखिए, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे और ये रो भी हम ऐसे उल्टी उल्टी ही बनाएंगे। दोनों साइड से हमने इसको उल्टा उल्टा बनाना है। आप जितने भी फंदे डालो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही बना लेना। ये देखिए, किनारे वाले को सीधा बना देंगे। ये देखिए, जब हम दो रो उतारते हैं तो ये हमारी एक लाइन बनती है, ये वाली, ये आप दिखाई दे रही है आपको। तो फ्रेंड्स, 75 फंदे डाल के फर्स्ट वाले को ऐसे उतार लेंगे और आपने ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के इसको कंप्लीट करना है। ये मैं 7 लाइन बनाऊंगी, टोटल मैं 14 रो उतारूंगी 75 फंदे पे, 75 फंदे डाल के, और मैं ऐसे ही बनाऊँगी। ये देखिए, तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने 75 फंदे डाल के और ये मैंने इतना ये बॉर्डर बना लिया है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन ये मैंने बना ली हैं। ये देखिए, दोनों साइड से एक जैसी है। अब देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 22 फंदे मैंने ये बना ली। यहाँ पे मैं एक मार्कर लगा दूँगी। कोई भी आप यहाँ पे पिन वगैरह या कोई भी मार्कर थोड़ी सी पहचान के लिए आप लगा दीजिए। देखिए, थ्रेड को पीछे करूँगी और अब हम यहाँ पे ये एक रो नीचे से बनाएंगे। देखिए, यहाँ से एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक
एक रो ये नीचे से आपको अलग से दिखाई देगा, ये इस होल में से ये देखिए, तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, ऐसे ही एक उल्टा बनाएंगे और एक रो नीचे से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं 22 फंदे इस साइड छोड़ के बीच के फंदे में सारे ही ऐसे बनाऊंगी और 22 फंदे इस साइड के उल्टे उल्टे बनाऊंगी जैसे इस साइड बना रखे हैं। तो मैं बीच के फंदे बना लेती हूँ। अब एक मार्कर मैंने यहाँ पे लगा दिया है पहचान के लिए और ये आगे के ये 22 फंदे मैं उल्टे उल्टे बना दूँगी। दोनों साइड हमने 22 22 फंदे रखे हैं। इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए अब आ गए हम दूसरी साइड। इस साइड से भी ये 22 फंदे मैं ऐसे ही बना लूँगी, उल्टे उल्टे ये 22 फंदे बना के मैं यहाँ तक बनाऊँगी। फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। इस मार्कर को अब हम हटा देंगे, अलग से आपको दिखाई देंगे। ये देखिए ऐसे उल्टा बनाएंगे, ये जो सीधा है इसके यहाँ से बीच में से निकाल लेंगे, एक रो नीचे से, फिर एक उल्टा बनाएंगे, एक इसके बीच में से निकाल लेंगे। ये देखिए ये बीच के 31 फंदे हमने ऐसे ही बनाने हैं। ये देखिए एक उल्टा एक सीधा और इसके बीच में से, ये आपको होल अलग से दिखाई देगा। ये देखिए एक उल्टा बनाएंगे एक सीधा और जो सीधा बनाएंगे एक रो नीचे से इस होल में से नीडल को डाल लेंगे। ये पूरा डिज़ाइन हमने नीचे से ऐसे ही बनाना है। ये देखिए इस मार्कर को भी अब हम हटा देंगे और ये आगे के 22 फंदे उल्टे 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 बना के मैं ये कंप्लीट करूँ। ये देखिए बीच में हमारा कुछ ऐसा डिज़ाइन डलेगा। एक बार मैं और दिखा देती हूँ फिर मैं इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये 22 फंदे मैं उल्टे उल्टे बनाने, ये हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। ये बीच का हम थ्रेड पीछे करके ये देखिए इस वाले होल में से हम ये एक सीधा बनाएंगे, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, इसे उल्टा बनाएंगे और एक ये सीधा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। मैं यहाँ पे बीच में 16 या 18 रो में इसकी बनाऊँगी, दो मैंने इसमें बना ली हैं और मैं ऊपर का बना के फिर मैं आपको दिखाऊँगी।
मैं इसमें टोटल 16 या 17 रो इसमें मैं बनाऊंगी। बीच में हमने ये डिजाइन डालना है, एक सीधा एक उल्टा, और सीधा बनाएंगे तो एक रो नीचे से बनाएंगे और इस साइड 22 फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बनाएंगे और इस साइड भी उल्टे उल्टे बनाएंगे और बीच में हम ये इसमें डिजाइन डाल लेंगे। इसको मैं बना लेती हूँ, फिर मैं ऊपर का दिखाऊंगी। ये देखिए, ये ऊपर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेरी ये लाइन बनी हुई हैं, 16 रो मैंने इसमें टोटल ये बनाई हैं। ये देखिए बीच में डिजाइन है और दोनों साइड ये 22 फंदे ये उल्टे उल्टे हैं। ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है, यहाँ से आपको दिखाई देगी, वैसे दोनों साइड से ये एक जैसा ही है। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला ऐसे उतार देंगे, ये 22 फंदे में उल्टे उल्टे बनाओ। देखिए 22 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए हैं। अब ये जिसमें हमने डिजाइन डाला था, इनको भी हम सारे ही फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब ऊपर हम इसमें कोई डिजाइन नहीं डालेंगे। और ये जो डिजाइन है फ्रेंड्स, ये आप स्वेटर में भी डाल सकते हो, कैप में, सॉक्स में, किसी भी चीज में आप इसको डाल सकते हो। बहुत ही सुंदर ये उल्टा और सीधा का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है और डालने में बहुत ही आसान है, बिगिनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे। ये देखिए, ये सारे ही फंदे हम ये उल्टे उल्टे बना के और मैं इस रो को यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, ये इस साइड के सारे उल्टे हमने बना लिए थे और इस साइड से भी ये उल्टी रो बना के और ये 22 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। ये देखिए, यहाँ से डिजाइन है। अब यहाँ से हम फंदे घटाएंगे। ये देखिए, 2 का 1 किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये देखिए 31 थे फ्रेंड्स हमारे पास। ये एक फंदा बचा हुआ है तो एक हम इस आगे वाले के साथ 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए, सारे फंदे 2 का 1 कर दिए बीच वाले डिजाइन के और ये फंदे हम 11 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। ये उल्टे उल्टे यहाँ तक बना के और इस साइड से पूरी रो उल्टी उल्टी बना के मैं लेके आऊँगी और ये 22 फंदे भी यहाँ तक बनाऊँगी। उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ का एक बार और दिखाऊँगी। ये देखिए, 22 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब फिर से देखिए, मैं 2 का 1 करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये आगे के फंदे मैं ऐसे ही उल्टे उल्टे बना के इस रो को कंप्लीट करूँगी और इस साइड से सारी उल्टी उल्टी बना के मैं यहाँ तक ले आऊँगी। ये देखिए, 22 फंदे मैंने बना लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 बार हमने इसमें फंदे घटा दिए हैं। ये देखिए, हमारी 1 2 3 लाइन हमारी ये बन गई हैं। अब इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, सिंपल, इसमें हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, सारे ही फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये देखिए, पूरी रो हम ऐसे ही बनाएंगे और इस साइड से भी इस रो को मैं
उतार के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, ये हमारी यहाँ से शेप बन गई है। 1, 2, 3, 4 लाइन हमारी ऊपर बन गई हैं। अब देखिए, सारे ही फंदे हम बंद कर देंगे। 2 का 1 किया, वापस निडल में डाल लेंगे और एक फंदा आगे से लेंगे। हल्के से हाथ से आपको ये आपने फंदे बंद करने हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लूज भी हाथ नहीं और टाइट भी नहीं, बिल्कुल ऐसे करने हैं आराम से। ये देखिए, 2 का 1 किया, वापस डाल लेंगे, फिर से 2 का 1 किया, वापस डाल लेंगे। ऐसे ही सारे फंदे आपने ये बंद करने हैं। ये देखिए, ऐसे ये सारे फंदे हमारे बंद हो जाएंगे। तो मैं ये बंद कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी कि इसको हम कैसे सिल लेंगे। देखिए, सारे ही फंदे मैंने बंद कर लिए हैं। इसको हम इसमें से निकाल के पक्का कर देंगे। ये देखिए, ऐसे इसकी शेप आई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा सीधा हिस्सा है, इसको हम अंदर ऐसे ले लेंगे और हम इसकी यहाँ से सिलाई करेंगे। पहले हम इसकी यहाँ से ऐसे सिलाई करेंगे और फिर हम इसकी यहाँ नीचे से सिलाई करेंगे। तो मैं इसमें सुई में ये थ्रेड डाल लेती हूँ। ये देखिए, ऐसे हम इसकी सिलाई कर देंगे। बिल्कुल ये हमारी चेन है, चेन में से ऐसे हम इसमें यहाँ से ऊपर से पक्का कर देंगे। ये देखिए, इसके मैं फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर नीचे से ऐसे मैं इसकी सिलाई करूँगी। आपको जैसे आती है आप वैसे ही करिए, आराम से इसको बैठ के आप सिलिएगा। ये देखिए, बिल्कुल मैंने इसकी सिलाई कर दी है। थ्रेड को मैं अंदर की तरफ पक्का करके काट दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर इसकी लुक आई है। ये देखिए, मैं आपको इसको पैर में डाल के दिखाऊंगी। स्ट्रेचेबल है फ्रेंड्स, ये 5 नंबर पैर में आराम से आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, परफेक्ट इसकी बिल्कुल शेप बनी है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर है। ये इसकी नीचे का हिस्सा है। ये देखिए, ये साइड और ये पीछे से एडी, और ये देखिए साइड से। बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स इसकी लुक है और पहनने में बहुत ही ये स्ट्रेचेबल है। आप किसी भी स्लीपर वगैरह में आप इसको डाल सकते हो। ये देखिए, और किसी भी कलर में आप इसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सॉक्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।